कॉफी बन गई आपकी। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। मेहंदी कैसी लगी है? ओहो, अभी करो आप मेरा चैनल, अभी करो। हाँ अभी हॉटस्पॉट लो सर से। लो सर। हाँ फटाफट सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है मैरिज वाला डे। अभी रूम क्लीन हो रहा है और हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, फिर वहां से जाएंगे मेहरानगढ़ फोर्ट। और तब तक मैं मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ा रही हूँ। रूम क्लीन करने आए हैं हर्षित। ओके इज हर्षित, हाय कर सकते हैं आप। हाय। और ये हैं, कहाँ से बताया आपने? हल्द्वानी से, उत्तराखंड। उत्तराखंड से। और मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ चुका है जल्दी। यस ग्रेट, थैंक यू हर्षित। मौका मिले तो देख भी लेना जरूर। मैं मॉर्निंग। आप मुझे इस चीज के बाद आ रही तो फाइटर जेट भी एक चाय दीजिए मुझे। विच वन बोले तो? विच शुगर है विदाउट शुगर? मुझे नहीं, शुगर ज्यादा है क्या? तो शुगर वाली तो ना। हाँ सुनिए। हाँ सुनो, तुमने क्या खाया? इस चीज के बाद सुन रहे थे वो फाइटर जेट, उसके बाद डोम डोम आ गई। शुक्रवार की चाय। आज शुक्रवार है, रोज का है आपके पास ये? शनिवार शुक्रवार। थैंक यू। कहाँ कहाँ? हाँ वो 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 और वो क्या है? मंदिर तो। अच्छा वो इतना ऊपर है वो भी। गुड मॉर्निंग। हम पता नहीं किस कमरे में गए, खूब सारी बेल बजाई आपका मान के, किसी ने नहीं खोला। हम आ गए 129। नाम थोड़ी, हम नंबर थोड़ी पता था। आपने कहा इसके सामने वाला है। मैंने लिखा अनुपमा, तुम्हारा पति तुमसे कितना प्यार करता है। अरे वाह, लेकिन मेरा थोड़ा ज्यादा करता है शायद। हां जी, मतलब मेरा पति जितनी दाग रचती है ना, कहते हैं जितनी दाग रचती है काफी है। किला देखा पूरा? हां उम्मीद होनी बहुत ऊंचा है यार। नहीं ऊंचा नहीं है, मतलब उसकी चढ़ाई नहीं, रास्ता है हाइट। मिश्रित पराठा, आलू बोंडा, क्रीमी कॉर्न, पोटैटो स्माइल, ये फ्राइड राइस, वाओ, बाजरा, साबुदाना खीर तो गायब है। ये फ्राइड राइस बड़ी टेम्पटिंग से लग रहे। ब्रेड दो भैया, थैंक यू। और ढोकला भी लिया जाए, ढोकला। और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एयरफोर्स का एरिया है। यहाँ पे फाइटर जेट्स उड़ते हैं बिकॉज अब पाकिस्तान के बॉर्डर के काफ़ी पास हैं। और वो जो आप सामने अगर देख पा रहे हैं वो जोधपुर का किला है, और वो जोधपुर का सिटी पैलेस है जो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। मम्मी क्या खा लियो? पापा क्या खा लियो? नमस्ते भैया, थैंक यू। ब्रेकफास्ट डन और हम लोग जा रहे हैं किले पर, क्योंकि यहाँ पर तो अभी सब बातें बातें करेंगे। लिफ्ट है ना वहाँ पे, तो हम लोग फटाफट से किले को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं। आधार ने नहीं देखा है, हमने तो देखा है। आपके पास यूट्यूब है? यूट्यूब है ना जी, तो चैनल सब्सक्राइब करवा लो यार। सुन ली फोटो क्यों दिखा रहे हो जब मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा ना? पीछे बैठी हुई है। अब इनको एक काम है राकेश जी, वो आप कैसे कराओगे? आप वो देखो बताओ जी, क्योंकि जोधपुर आए और जोधपुर की एक सब्जी जो है ना कल खा ली है, खाई है और बहुत पसंद आई है। कौन सी सब्जी? चक्की की सब्जी, श्यामा स्वीट्स, भाई जी के तालाब के पास। सो वी आर गोइंग टू मेहरानगढ़ फोर्ट। ये मेहरानगढ़ फोर्ट के पीछे की साइड है, जो एक ये पीछे आपको टेम्पल दिख रहा है,
और अपन साइड से जा रहे हैं इस समय मेहरानगढ़। वो आप देखिए, अब आप वो सामने देखा, ये रास्ता है और वो मेहरानगढ़ फोर्ट देखिए आप, ये देखो, ये इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो कैब ने हमको पीछे उधर पार्किंग एरिया में ड्रॉप कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग बाय फूट ओनली, और ये है किला विच इज लुकिंग अमेजिंग लाइक अ मूवी का सेट। गणेश जी महाराज जी का मंदिर एंड मेहरानगढ़ फोर्ट। किसी भी किले में, किसी भी किले में है। ये ब्रह्मपुरी है मैम, ब्राह्मणों का जो इलाका बोलते थे ना पुराने टाइम में, ब्राह्मणों से रिलेटेड वो सारा, तो ये ब्रह्मपुरी है जैसे। और ये जो कलर है ना मैम, इंडिगो कलर है, ये प्रोस्पेरिटी का निशान है। यहाँ पे लोग आते थे, शुभ कलर है ये सारा सब कुछ। और ये जो सराउंडिंग एरिया देखे ना सर, ये पुराने टाइम में यहाँ पे इनका स्टाफ रहता था, क्योंकि रॉयल फैमिली तो सारी यहाँ रहती थी, और उनके जो वर्कर्स वगैरह ये दूसरे थे वो रहते थे। जी हाँ, इससे चल के आते हैं, जाने के लिए भी यही है सर, है ना। और जो फिल्म थी ना मैम हम साथ साथ है, अपना जो हाथी तो आमेर से आए थे वहाँ से, वो यहाँ पे शूट किया था सर। वो जो गाना है हमारे, गाना तो अंदर हुआ था मैम, हमारे हेवड़े का जो था जी, और जो एलिफेंट का जो सीन होता है ऊपर चढ़ते हैं, वो यहाँ पे किया था। और उस फिल्म के दौरान ही वो शिकार कांड हुआ था अपना सलमान खान। अच्छा, वो भी तो जोधपुर का ही किस्सा है। दीदी इज मिसिंग, शी लव्स। सर अपने इंडिया का सबसे जवान पैलेस है सर, जवान पैलेस कहने का मतलब 1945 में इनॉग्रेशन हुआ था ये, और तो भी रॉयल फैमिली सारी वहाँ रहती है। इसमें तीन पार्ट है सर, एक तो रेजिडेंस है इनका, फिर एक होटल जो ताज चलाती है, और तीसरा म्यूजियम है। वो भी अगर आप समय हो तो देख सकते हैं, वो 9 से 5 खुलता है सर। नहीं तो टाइम, ये लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं सर व्हाइट वाला, हाँ, वो उसको बोलते हैं जसवंत खड़ा। बेसिकली ये मेमोरियल है, जैसे जयपुर में गेट और नहीं अपने आमेर के पास, ओके। तो ये सेम मतलब हर सिटी में मिलता है, अगर आप जैसलमेर पधारो तो वहाँ पे बड़ा बाग है। और ये बेसिकली क्रिमिनेशन प्लेस है। जी हाँ, क्रिमिनेशन जैसे अपना गेट और नहीं है। समझ गए, समझ गए। अच्छा, सबसे पहला जो सेक्शन है सर अंदर की तरफ हमें भेजेंगे, वो है पालकी खंडर। ज्यादा लोग उठाते थे और लाइट होती थी, कम लोग उठाते थे। किसकी बनी हुई? लकड़ी की बनी हुई है। मोर बने हुए हैं, ताम झाम, यूरोपियन कैरिज, सुंदर शाही पालकी, यूरोपीय प्रभाव युक्त। तोरण, जोधपुर का रेलवे स्टेशन। ये देखो राजा महाराजाओं की ड्रेस, सो हैवी। दोनों में कटे जोधपुर के प्रेजेंट महाराजा, प्रेजेंट उनकी 4 साल की एज की फोटो, जब वो राज तिलक हुआ होगा। उत्तरी, इतना चढ़ना है क्या? तो पहले कैमरा बंद किया जाए, नहीं तो हम और कैमरा दोनों नीचे होंगे। चलो आधार, चलो चलो चलो। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी चढ़ाई के इम्तिहा और भी। हाँ, ये डार्क हूँ। और अभी शीश महल, जयपुर का शीश महल तो आज तक देखा नहीं, ये वाला दिखा देंगे लव आपको। बेस है पूरा पोशाक, हाँ, लेकिन तब भी हैवी होगा ये बहुत।
दिस इज कॉल्ड फूल महल। अमेजिंग। 9 साल 9 से 10 साल पर ये गोल्ड है। ओ माय गॉड। इसमें पहले बारूद भरी, फिर वो बॉल भरी। महाराजा साहब का बेडरूम वुडन की ठंडक देने के लिए, और वो पर्दा जो हिलाते हैं ना जिससे पंखा होता है, वो वाला पंखा क्या होगा? ये जगह जोधपुर महाराजा ने दी है क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए। शरीर में बहुत से एनर्जी स्पोर्ट्स है, हमें 7 स्पोर्ट्स बहुत पावरफुल है। हमारी फिलोसफी उसको चक्रा कहती है। मॉर्निंग का ही राग है बैरा की भैरव। टाइम पास कर रहे हैं। पुराने दरवाजे और खिड़कियां। मैंने मेरे चक्कर में और क्या तुमने कहा? सारे सुरताल बिगड़ गए तुम्हारे। शादियों में दिया जाता है ये है जनानी रोटी। जनानी की रोटी। हमारे हिबड़ा में तो जितना पैलेस, मतलब जितना फोर्ट खुला हुआ है पैलेस में कन्वर्ट करने के बाद, उतना तो हमने एक्सप्लोर कर लिया। और अब यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। ये सारा ऊपर जितना दिख रहा है इसी से बंद है ना? ये देखो, ये ऊपर ऊपर सब जितने ये बुर्जियाँ ये सब हैं, ये सब बंद है। क्या है वो ऊपर? गौरैया। साबरो नाम आलोक। अरे राम। नहीं आप तो अपना वही गाओ। ओ केसरिया पाल में अबो हल्दी देसी घी में। इस तरह के प्राइस है 700 रुपए के जी। तो यहाँ से हमने इतना मारा मारी करके हमको ये शॉप मिली है, और यहाँ से हमने खरीदी है आटे की चक्की, क्योंकि हमने कल पार्टी में खाई थी चक्की की सब्जी, जो यहाँ की स्पेशलिटी है, आटे से बनती है और बहुत एक अच्छा खासा डिफिकल्ट प्रोसीजर है उसको बनाने का। तो अभी वो ली है और हल्दी की सब्जी ली है।